नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद की बनाने की विधि एवं उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट खाद किसको कहते हैं। केचुए द्वारा तैयार जो खाद होती है उसको वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। केचुए की आंतों के अंदर उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो उसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और बाकी का जो मल निकलता है वो एक उत्तम गुणवत्ता वाला जैविक खाद होता है। बाहर जो चीज़ 1000 घंटे में सड़ती है वो केचुए की आंतों के अंदर 1 घंटे में ही सड़ जाती है। केचुए के बारे में कहावत है कि केचुए की खुराक जो है एक हाथी के बराबर होती है। जो कुछ केचुआ खाता है वो मुंह से खाता है और मल द्वार से निकालता रहता है। जो सतही सुरंग बना के रहते हैं वो उन केचुओं की लंबाई 3 से 4 इंच होती है, जबकि गहरी सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं उनकी लंबाई 8 से 10 इंच होती है। इन गहरी सुरंग बनाने वाले केचुओं का वजन जो है वो लगभग 5 ग्राम के आसपास होता है और ये जमीन के अंदर 8 से 10 फीट तक नीचे सुरंग बनाते हैं, जबकि सतही सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं वो जमीन में केवल 1.25 से 1.5 फीट तक ही सुरंग बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सतही सुरंग वाले केचुए जो है उन्हीं को पाला जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि इन दोनों के खाने पीने की जो आदत है उसके अंदर फर्क है। जो गहरी सुरंग बनाने वाले केचुए हैं वो 90% जो है मिट्टी खाते हैं और 10% जो है रेत खाते हैं, और सतही सुरंग बनाने वाले जो केचुए हैं वो 90% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और 10% मिट्टी खाते हैं। इसकी बेड जो है हमेशा छाया के अंदर ही लगानी चाहिए, क्योंकि केचुआ जो होता है उसकी आँखें नहीं होती है पर प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है ये अंधेरे में चला जाता है और ये अंधेरे के अंदर ही ज़्यादा क्रियाशील रहता है। अब मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसमें क्या चीज़ ध्यान रखने की बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें उनको आप ध्यान रखना है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए, जिसमें सबसे पहले है प्लास्टिक की सीट। प्लास्टिक की जो सीट है उसमें ये ध्यान रखना है कि वो फटी हुई ना हो। उसके बाद में हमको चाहिए गोबर। गोबर जो है वो कम से कम 5 से 7 दिन पुराना होना चाहिए और उसकी गर्मी निकल जाए तभी उस गोबर को डालें। इसके बाद हमें चाहिए चारा फसल के अवशेष, लेकिन चारा फसल का जो अवशेष है उसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाला चारा है तो उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम में नहीं ले। अगर इस चारा फसल के अवशेष के साथ में हर जगह नीम होता है तो नीम के पत्ते डाल दिए जाए तो और उसकी गुणवत्ता जो है खाद की बढ़ जाएगी और इसको जिस फसल में भी काम में लेंगे उसके अंदर कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी नीम के कारण कम होगा। इसके बाद हमको चाहिए खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी में ध्यान देने की बात है कि ऐसी वस्तुएं जो नहीं सड़ती है नहीं गलती है उनको छांट करके अलग कर दे। केचुए की जो बेड लगा रहे हैं उसके अंदर 50 से 60% पानी होना चाहिए, तो पानी जो है साफ जगह से लेना चाहिए, गंदा पानी काम में ना ले जहाँ तक ध्यान रखें। सबसे पहले जो है अपन प्लास्टिक की सीट जो है वो ज़मीन के ऊपर बिछाएंगे। इसको हम चाहे तो खड्डा खोद कर भी कर सकते हैं और अगर ज़मीन की कमी है और कोई शहरों के अंदर रहते हैं तो वो लकड़ी की मचान वगैरह बना करके भी इसको वर्मी कंपोस्ट को कर सकते हैं। खड्डा खोद के भी प्लास्टिक की सीट लगाना इसलिए ज़रूरी है या समतल जगह इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वो पानी जो ऊपर से डालेंगे वो नीचे बह करके नहीं जाए। चारा फसल का अवशेष जो है इसको अपन डाल रहे हैं, ये कम से कम 3 से 4 इंच की एक परत लगाएंगे चारा फसल अवशेष की जो तय लगाई है। उसके बाद में हम जो है पानी का छिड़काव करेंगे, प्रत्येक परत के बाद में पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है। ये जब लगाते हैं उस टाइम की बात है, उसके बाद में हमको इतना पानी डालना है कि उसके अंदर 50 से 60% नमी बनी रहे। अगर सर्दी का समय है तो हमको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना है और गर्मी के टाइम में 1 दिन में सुबह के टाइम में पानी इसमें डालना है। चारा फसल के अवशेष के साथ में नीम की पत्तियां जो है वो भी मिक्स कर दी जाए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो गोबर और मिट्टी का जो मिश्रण डाला है उसकी भी जो परत है वो 3 से 4 इंच बड़ी होगी और इसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। वर्मीकास्ट जिसके अंदर केचुआ और केचुओं के अंडों का मिश्रण है जिसको हम अब इस बेड के अंदर डालेंगे और इसको समान रूप से पूरे बेड के अंदर अपन को बिखेरना है। केचुआ जो होता है वो 0 से 40 डिग्री तापक्रम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील तब होता है जब बेड के अंदर 28 से 32 डिग्री तापक्रम और 50 से 60% नमी होती है। 1 किलो केचुआ 24 घंटे के अंदर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बना देता है।
अब इसके ऊपर हम गोबर की वापस एक परत लगाएंगे जो 3 से 4 इंच बड़ी होगी। अब पुनः हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़केंगे। केंचुए के जो मुर्गी है, मेंढक है, चूहे है, कुत्ते हैं, नेवला और गिरगिट, ये इसके दुश्मन है, तो इनको हमको बचा के रखना है। अंत में हम जो है नीम की पत्तियां और जो चारा फसल के अवशेष है उन दोनों को मिला करके अंतिम एक परत जो है इसके ऊपर 3 से 4 इंच की लगाएंगे। बस ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि इस बेड की ऊंचाई जो है वो 1.25 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये चाय की पत्ती के समान नज़र आने लग जाए तो 2-3 दिन तक इसमें पानी छिड़कना बंद कर दें और खुली जगह में जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ पर इसका ढेर लगा दें। तो जब ढेर लगाएंगे तो इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो केंचुए जो है वो उस खाद के अंदर ढेर में घुस जाएंगे और ये इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बन करके तैयार हो जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि परत दर परत हमने जो है वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाई है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही लगाई जाए। ये सारी जो सामग्री है उसको इकट्ठा करके हम सीधा ही उसको वर्मी कंपोस्ट की बेड लगा सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद का पैकेट है जो बिल्कुल एकदम से चाय की पत्ती की तरह नज़र आ रहा है। ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है इसके अंदर ये विशेषता होती है कि इस खाद के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पैराट्रॉपिक झिल्ली कहते हैं। ये पैराट्रॉपिक झिल्ली जो है सिंचाई जल के वाष्पीकरण को कम करती है। तो इससे किसान भाइयों को ये फ़ायदा होता है कि जहाँ 5 पिलाई कर रहे हैं अगर वहाँ पे 3 पिलाई करेंगे तो फसल की पैदावार जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर एंटीबायोटिक होता है, इसलिए इसको जिस फसल में भी आप काम में लेंगे उसमें बीमारियाँ कम लगेगी। जिस खेत में भी इस खाद का उपयोग किया जाएगा उसके अंदर खरपतवार कम उगेंगे, दीमक की समस्या नहीं होगी और सफ़ेद लट नहीं लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सस्ता विकल्प है जिसके मार्फत हम ये वर्मी कंपोस्ट खाद की एक घर पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप देखें कि DAP और यूरिया की कोई किसान फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन रासायनिक खादों की जो निर्भरता बढ़ती जा रही है वो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसकी तुलना में इसके अंदर 5 गुना नाइट्रोजन, 6 गुना फॉस्फोरस और 4 गुना पोटास होता है। जिस जगह 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद की ज़रूरत होती है वहाँ मात्र वर्मी कंपोस्ट 3 टन की ही आवश्यकता होती है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद जो है हम फल फूल और सब्जी वाली फसलों के अलावा अनाज वाली फसलों में भी उपयोग में लिया जा सकता है। फल फूल और सब्जी की अगर खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें डालना चाहिए, उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ फील्ड क्रॉप है जो फसल लगा रहे हैं वहाँ पे 5 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से डालते हैं और सब्जी वाली फसलों के अंदर 7.5 टन प्रति हेक्टर की दर से डालते हैं।